साहिबा आप क्या करती हैं ईद पर, कैसे गुजरती है आपकी? देखिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बड़े हो गए, दो शादीशुदा भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरता है, बेटी आ जाती है घर और पोते हैं मेरे दो माशाल्लाह, बहुत इंजॉय करते हैं। तो उसके अलावा दोस्त अहबाब, यहाँ कराची में मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। अच्छा। मेरे सारे रिश्तेदार उधर इस्लामाबाद वाकेंट में होते हैं। तो यहाँ पे बस ये होता है कि वो सरगोदियन दोस्त जो मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे तो उनके दोस्त आ जाते हैं, फिर उनके घर यहाँ हम चले जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक रात पहले मैं शीर खुद बना लेती हूँ। ओके। शीर खुद बनाती हूँ, वो कोई और नहीं बनाती, पूरी रात जो पकती है वो वाली शीर। जी जी, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। बस हम आ रहे हैं आपके घर, जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली। तो बस इस तरह ईद का दिन गुजर जाता है सारा, और फिर अगला दिन ये होता है कि हमारा विजिट होता है दोस्तों के घर, फिर आप मिलने जाती हैं। जी जी जी, मसरूफ होती है इनकी काफ़ी काफ़ी, क्योंकि देखिए एक तो दो तीन चीज़ें ईद की ऐसी होती हैं छोटी ईद की खासतौर पे, एक पुलाव ज़रूर बनना है, एक शामी कबाब ज़रूर बनना है, फिर कोरमा या इस तरह की चीज़, और साथ ही शीर। तो शीर तो नमाज से पहले तैयार होनी चाहिए कि जाने से पहले ताकि वो मर्द हज़रात आए तो खा के जा रहे हो, मुँह मीठा करके। बिल्कुल, तो वो रात को तैयार हो जाता है, बाकी वो लोग जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो जल्दी जल्दी ये वाली चीज़ें होती हैं। क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है। रियान भाई, आप तो ऑब्वियसली खीर या शीर आप तो बना नहीं रहे होते, लेकिन आप खा के चले गए, लेकिन उस दिन सारा दिन फ़ोन आ रहे होते रियान भाई ये मामला है यार ये कर दें, या फिर कुछ और मुख्तलिफ ईद रहती है आम दिनों से? देखें एमकेएम के यूजुअली जो जो पार्लियामेंटेरियंस हों या जो रहनुमा हों, यूजुअली हमारा पहला दिन जो होता है वो हमारे एक बड़ी तादाद है एमकेएम के लोगों की जो कि असीर हैं या शहीद हैं, तो उनके घरों पर मुख्तलिफ लीडरशिप के लोगों की जिम्मेदारी लगती है कि पहले दिन जाते हैं। लेकिन नमाज के बाद यकीनन हम घर आते हैं, और घर आने के बाद ख्वातीन पे ज़्यादा बर्डन होता है इस ईद में, मर्द को तो कुछ नहीं करना होता वैसे तो देखा जाए, तो ख्वातीन को ना सिर्फ मेहमानों के लिए इंतजाम करने होते हैं, घर की ख्वातीन मसरूफ़ होती हैं, हमें तो सिर्फ खाना ही होता है, चखना होता है, रिमार्क्स देने होते हैं, फिर निकल जाना होता है अपने काम पर। हेल्प नहीं करवाते किचन में बेगम के साथ? नहीं नहीं भैया, अभी तक तो नहीं। शॉपिंग पे लेके जाते हैं? देखने जरूर जाते हैं कि क्या पक रहा है। नहीं, वैसे शॉपिंग पे लेके जाते हैं, ईद की शॉपिंग पे लेके जाते हैं, जरूर मुश्किल होता है, कम होता ये है, ये तो बड़ी गलत बात। लेकिन किचन में जाकर देखने की जसारत जरूर करता हूँ मैं, ज्यादा रिमार्क्स ये तो नहीं कि ज्यादा रिमार्क देते हैं, नहीं रिमार्क्स नहीं देते की हिम्मत है ना, ये इजाजत है, हिम्मत है, खतरनाक बात है, जसारत करता हूँ, इसलिए जसारत का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं यार, मैंने देखा है कि बीवियां तो माशाल्लाह पकाती बहुत है, बहुत अच्छा पकाती है, और अच्छा बाद में बोला आप, और मजाल नहीं होती किसी की कि किसी भी चीज के लिए आप हमें अगर नमक ज्यादा है तो आपने कहना क्या माशाल्लाह बैलेंस है, व्हाट अ बैलेंस। तो आप लेकिन हम लोगों को देख देख के बीवियों को हमने अगर सर खुजाया ना, हमें हमने अगर खुदाई कसम सर खुजाया ना तो बीवियों को पता है कि हमने सर क्यों खुजाया है, हमें ऐसा चेक करती है। अच्छा, आप भी वही मजबूर आदमी जिसको पता नहीं होता कि उसकी मजबूर के साथ लाचार भी लगा, क्यों नाराज है, मजबूर और लाचार? नहीं नहीं, और बात यह कि देखें एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, अब ये बड़े हो गए तो उसमें तो आप बिल्कुल थोड़ा सा अभी एक कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो वो बीवियां फिर पेटों का सहारा लेती हैं, उस जगह आके हम लोग फिर आप किसकी साइड लेते हैं, अम्मा की या बाबा की? नहीं, मैं बिल्कुल न्यूट्रल चलता हूं, और न्यूट्रल जी जी, आजकल न्यूट्रल बहुत खतरनाक है, वो घर में ही न्यूट्रल है, वैसे न्यूट्रल जानवर होते हैं, आप न्यूट्रल क्यों हैं भाई? मगर छोटे ना अम्मा के बड़े लाडले होते हैं। जी जी जी, ये बात तो है, देखिए बाबा के लाडले अम्मा के लाडले, ये बात तो सच है, बच्चे जो भी हों वो होते सब अम्मा की साइड पर ही, ये 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 और ये लड़के ज्यादा होते हैं अम्मा की साइड पर। लेकिन खैर, मैं ये कहता हूँ कि माशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मम्मी जहाँ पर मुझे लगता है कि पापा की साइड लेनी जरूरी है तो वहाँ पर वहाँ भी पापा की साइड भी लेता हूँ, जहाँ मुझे लगता है नहीं मैं आपकी न्यूट्रल की जो साइड है ना वो समझ, जी जी, आप जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल की जो साइड है वो डेफिनेशन दे दी है। बच्चे आजकल बड़े सियासी हो गए हैं, घर में ही सारी सियासत हो रही होती है, और वो वही बात है कि जिसका पलड़ा भारी हो रहा होता है ना वही बच्चे उधर ही। वैसे एक बात मैं तमाम मर्द हजरात से यहाँ पर पूछूंगी कि कितना पैसा खर्च करवाती हैं आप सबकी बेग मां? सबसे आलमगीर नई नई शादी, तो पहली शादी, हाँ नई नई शादी हुई ना, पहली क्या मतलब, पहली क्या मतलब, पहली ईद है यार शादी के बाद। मैं तो अभी देख रहा हूँ, जो सुनता था देखता था, बड़ा मुश्किल होता है ये इखराजात जो बर्दाश्त करना, और फिर अभी तो नेशनल असेंबली से भी हम चूंकि वो इस्तीफा वगैरह हो गया,
अभी आगे के लिए देख रहा हूँ कैसे मामला हमने चलाने। अभी आप सुन रही हैं ना? अच्छा सुन ले, अब इतना आसान नहीं है कि जो चीजें हैं तो अब वो पैगाम दे रहे हैं इनडायरेक्ट। अच्छा मैसेजेस आते हैं, कहाँ हैं आप, कब आएंगे, देर क्यों लगा दी? ये तो पूरी पूरा पीछे एक इंक्वायरी चल रही होती है, लेट क्यों हो गए। जो साथ होते हैं उनके नंबर्स भी होते हैं, जो ड्राइवर है या जो भी इर्द गिर्द लोग हैं सबके नंबर वगैरह। इन केस नंबर ज्यादा मशकूक होते हैं हमसे ज्यादा। ये मतलब आप कहना मतलब ये सब सारी मसरूफियत आप लेके जा रहे हैं, मैंने नहीं कहा। बेगम तो बेगम होती है ना यार सर। देखिए मैं आपको एक इतने मजे की बात बताऊं, हमने वहां पर मॉरिशस में शो किया तो मैं और हमारे गुलाम अली साहब थे वहाँ, तो आप यकीन करें कि फोन पर मैंने कहा कि बीवियां जो है ना, तो मैं ऐसे मिसाल दे रहा था कि मोबाइल में पहला सवाल होता कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। तो वो कहने लगे कि जनाब वो मुझे बता रहे हैं, कहने लगे अयाज खान टोल्ड मी वेरी इन राइट बिकॉज वेन एवर आई एड्रेस्ड एंड डायरेक्टली कमिंग टू द टीवी। यानी वो कह रहे कि जब आप लाइव आ रहे हैं ना उसके बावजूद कहने लगे मेरे पास मैसेज आता है, लाइव पे मैसेज आता है कि आप कहाँ पे हैं। तो अब आप ये बताएं कि जब एक वो वजीर आजम और वहाँ पे उनको उन तक को ये पूछा जा रहा है जब लाइव आ रहे हैं कि कहाँ हैं आप, बाद में कह रहा है भाई वहीं रिकॉर्डिंग थोड़ी चल रही थी। यानी कि वही बात है, बेगम बेगम होती है, चाहे वो बादशाह की हो चाहे किसी की बेगम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।